हेलो जी, राम राम जी। कैसे हो आप सब? आशा करते हैं आप सब ठीक होंगे। मेरे यूट्यूब चैनल वंदना पाल ब्लॉग में आपका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, दिन की शुरुआत एक नए ब्लॉग के साथ बने रहिएगा हमारे ब्लॉग में अंत तक। तो फ्रेंड्स, आप सभी को वंदना पाल ब्लॉग की ओर से हरियाली तीज की ढेर सारी शुभकामनाएँ। तो फ्रेंड्स, आज है हरियाली तीज। तो हमारे यूपी में कैसे बनाई जाती है हरियाली तीज, तो हम आपको दिखाते हैं। हमारे यहाँ पे ना हरियाली तीज पे खीर पूड़े पूजे जाते हैं। तो आज बनाएंगे खाने में खीर पूड़े, और खाने में बनेगी आलू की सब्ज़ी और पूड़िया। तो फ्रेंड्स, आप लोग भी आ जाइएगा आज दावत खाने के लिए हरियाली तीज की। तो चलिएगा फ्रेंड्स, इस भोलेनाथ को ना, जो भोले बाबा जी हैं, उनको हरा रंग बहुत ज़्यादा पसंद था, हरियाली बहुत ही ज़्यादा पसंद थी, तो इसीलिए हरियाली तीज मनाई जाती है। और ज़्यादा जानकारी तो मुझे है, तो इसीलिए मैं आपसे अनुरोध करना चाहूँगी कि आप लोग कमेंट्स कर जरूर बताइएगा कि हरियाली तीज कैसे मनाई जाती है। तो इस दिन सुहागन महिलाओं के लिए हरा रंग बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, और मेहंदी वगैरह लगानी भी बहुत ज़रूरी है। तो मेहंदी तो मैं लगा नहीं सकती, क्योंकि जो खुशबोई की चीज़ है ना, मेरी बहुत बिल्कुल बंद है। तो इसलिए मैं सिंपल से तरीके से बना रही हूँ। तो पिछली बार तो बहुत ही अच्छे से बनाई थी, लेकिन अब की बार नहीं। तो वंदना और कुछ घर में भी परेशान चली है, क्योंकि आज फिर से पापा जी को जाना पड़ा है डॉक्टर के लेके। तो जब घर में थोड़ी सी दिक्कत आ जाती है, तो इसीलिए तो चाहे त्यौहार हो चाहे कुछ भी हो घर में, तो बिल्कुल भी करने का मन नहीं करता। तो इसीलिए पापा जी गए हुए हैं डॉक्टर के, और रात भर से मुझे भी बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही। तो मुझे तो अब है आराम, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत पेन तो हो रहा मुझे पेट में, लेकिन मैं दवाई वगैरह ले ली थी, अब आराम है। तो मैंने थोड़ा बहुत काम कर लिया, और बाकी के काम तो आज वंदना के डैडी करके गए थे। तो आज वंदना के डैडी सारे काम निपटा कर गए थे, पशुओं को घास करना भी और पशुओं को नहलाना वगैरह सारा काम। तो आज मुझे बनाना था बस खाना, क्योंकि मेरी तबीयत थोड़ी है रात से ख़राब। रात से ना मेरे पेट में बहुत ज़्यादा पेन था, तो इसलिए वंदना के डैडी बोल गए थे खाना बनाएगा तो बना लिए, लेकिन आज त्यौहार था तो खाना तो बनाना पड़ेगा। तो इसलिए मैं बना लेती हूँ खाना। खाने में बनेंगे आज खीर पूड़े। तो चलिए फ्रेंड्स, सबसे पहले चलते हैं किचन में और कर लेते हैं पूड़े बनाने की तैयारी और खीर बनाने की। तो ये कर लिया है मैंने पूड़े बनाने का, मतलब गुलगुले बनाने का आटा। चीनी घोल ली थी और आटा छान के उसमें बना लिया मैंने गुलगुले बनाने का, मतलब कि पूड़े बनाने का आटा। और ये देखिएगा, इधर मैंने डाल दिया है कढ़ाई में, और अब मैं इनको पलट दूँगी। कढ़ाई बहुत अच्छी हो रही है हमारी। तो आज है हरियाली तीज, तो हमारे यहाँ पे खीर पूड़े बनाए जाते हैं और उससे पूजा की जाती है। तो मैं बना रही हूँ खीर पूड़े। तो खीर हमारी बन के हो गई तैयार, उसमें डालना है मुझे मीठा, तो मैं दिखा रही हूँ आपको। तो ये देखिएगा, मैंने कढ़ाई में पूड़े डाल दिए थे, और चूल्हे पे नहीं बना रही, क्योंकि मुझसे ना बैठा जा रहा और ना ही ज़्यादा देर खड़ा हो जा रहा। तो इसलिए थोड़ा थोड़ा काम करती रहूँगी और खाना भी बना लूँगी आराम आराम से। पूड़े उतार लूँगी, फिर आराम करूँगी और फिर कुछ और कर लूँगी, इसलिए धीरे धीरे सारे काम निपटाने पड़ेंगे। वैसे तो चूल्हे के पूड़े ही बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन आज मुझे बनाने पड़ते गैस पे ही। वैसे मैं कढ़ाई का काम ज़्यादातर चूल्हे पे ही करती हूँ, चूल्हे पे करना मुझे अच्छा लगता है। गैस पे ना बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है, और बाहर खुले में खाना बनाने में इतनी देर भी नहीं लगती, और जल्दी खाना बन जाए चूल्हे में। तो अब खीर हमारी बनकर हो चुकी है तैयार, इसमें डाल देते हैं चीनी। तो ये देखिएगा, हमारी खीर बन गई, चीनी डालनी रह गई है, तो अब डाल देते हैं इसमें चीनी। तो ये मैंने डाल दिया है कढ़ाई में पूड़े, पूड़े हमारे सिककर हो चुके हैं तैयार, और अब मैं इनको निकाल लेती हूँ, और मुझे थोड़े से और बनाने हैं, और ये भी डाल देते हैं। उसके बाद में मैं बनाऊँगी पूरियाँ, तो इसीलिए मुझे जल्दी जल्दी से खाना बनाना पड़ रहा है, और गर्मी भी बहुत ज़्यादा हो रही है, और लाइट भी नहीं आ रही, लाइट भी काफ़ी परेशान कर रही। जिस दिन ज़्यादा गर्मी होती है उस दिन लाइट भी बहुत ज़्यादा परेशान करती है। और वंदना के डैडी गए हुए हैं पापा जी को लेकर डॉक्टर के पास, क्योंकि पापा जी की जो नियर सोलियत थी, जो आपने पहले ब्लॉग में रखी होगी,
काली काली सी हो गई और फूट सी गई, एक तो फूटी नहीं गर्दन वाली, तो इसीलिए पापा जी को आज लेके जाना था डॉक्टर को दिखाने के लिए। देखते हैं आज क्या बताते हैं डॉक्टर पापा जी को। तो आ गया है वेल्टीज और इसकी भी तैयारी कर ली, दोबारा से डाल दी, एक बार के निकाल दिए भी रख के। और इधर मैंने घोट लिया है आटा, ढक कर रख रखा पूरी बनाने का, जिससे कि हमारा आटा सेट हो जाए। अब मैं इनको पलट लूँगी। तो हमारे पूड़े बनकर तैयार हो चुके हैं और सब्जी और खीर भी, और अब पूरियां बनानी बाकी है। तो चलिएगा फ्रेंड्स, लग जाते हैं अपनी पूरियां बनाने में, क्योंकि 10:30 से ऊपर का टाइम हो चुका है। तो पूजा करनी है अभी मुझे, तो पूजा करने के लिए सारी सामग्री तैयार करनी है, थाली लगानी है मुझे, खाना लगाना है, जो मैं खाना बना रही हूँ, और उसके बाद मैं करूँगी पूजा। तो इसलिए जल्दी जल्दी से बना लेते हैं पूरियाँ। पूरियाँ बनाने के बाद में करेंगे हर हर महादेव, हरि हर तीज की। आप सभी को बहुत सारी शुभकामनाएं वंदना पाल की ओर से। तो बने रहिएगा हमारे ब्लॉग में एंड तक। अगर आपको हमारा ब्लॉग पसंद आया हो तो आप अधिक से अधिक लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो इसीलिए फ्रेंड्स, मुझे ना कल संडे से 8 मंथ्स लग जाएगा और बैठने उठने में भी ज़्यादा दिक्कत हो रही है, इसलिए जो काम होता है कर लेती हूँ, वरना तो लेट जाती हूँ, आराम करती हूँ। वंदना की डैडी आकर खुद ही कर लेते हैं। मैं सोचती हूँ थोड़ी बहुत ही हेल्प हो जाए, लेकिन जब भी मैं कुछ करती हूँ तो मेरे पेट में तभी पैन होने लगता है, इसलिए मैं काम करने में ज़्यादा रिस्क नहीं लेती, छोड़ देती हूँ। इसलिए व्लॉग भी नहीं बन पाता, जब पेट में और पैरों में बहुत ज़्यादा दर्द होता है, खड़े होने की हिम्मत नहीं होती, तो इसलिए व्लॉग भी नहीं बन पाता। और इसलिए हमारा कल व्लॉग भी नहीं आया, कल बहुत ही ज़्यादा पैन वर्ड था और वीडियो तो बन गया था लेकिन डालने की हिम्मत नहीं हुई। तो इसलिए फ्रेंड्स, हमारा व्लॉग अब कभी कभी आ रहा। ले लिया है मैंने पूजा करने का सामान, 2 पूरियों के रख लिए, खीर चाहे हलवा रख लो चाहे खीर, और ये खीर पोड़े और पानी का लोटा, और अब करेंगे हम पूजा। तो ये देखिएगा, मैंने मंदिर ना बिल्कुल क्लीन कर लिया था और अब मैं करूँगी पूजा। ही लगा दिया मैंने बत्ती और धूप बत्ती, और जला देती हूँ इसको। और ये ले लिया है घी, और अब अंगारी लाना भूल गई मैं, वो लेके आती हूँ सबसे पहले, और फिर करेंगे हम पूजा। तो फ्रेंड्स, आप सभी को हरियाली तीज की हार्दिक शुभकामनाएँ। तो फ्रेंड्स, कमेंट्स में हर हर महादेव जरूर लिखना। तो आज है भोलेनाथ का दिन और हरियाली भोलेनाथ को ना बहुत ज़्यादा पसंद थी, और इसीलिए हरियाली तीज बनाई जाती है। तो ये देखिएगा फ्रेंड्स, मैंने भोग लगा दिया और पूजा कर ली है, और भोलेनाथ बाबा जी की आरती भी। तो अब मैं देखाऊँगी इसको गाय को, और ये पानी दे दूँगी तुलसा में। तो चलिएगा फ्रेंड्स, अब चलते हैं गाय को खाना खिलाने के लिए। और इधर वंदना चीकू आ गए स्कूल से, और ये पकड़ रहे हैं पढ़ाई, और वंदना ने खाना भी नहीं खाया, इसकी आदत है स्कूल से आते ही पहले अपना होमवर्क करना। तो आज था इसका ड्राइंग का टेस्ट, तो वंदना बैठी है अपनी टेक्स्ट बुक लेके, और इसका टेस्ट में मुझे कलर कराना है। तो खाना वाना बनकर होगा रेडी, पोछा लगाना बाकी था क्योंकि बारिश आ गई थी, तो मैंने पोछा लगाना छोड़ दिया था। फिर मैं वंदना का होमवर्क करवाने लगी थी, हल्की हल्की आई थी वैसे, लेकिन फिर मैंने सोचा रहने दूँ, कल लग जाएगा, नहीं तो शाम के टाइम हो जाएगा, जो होगा वंदना के डैडी कर लेंगे। तो